उज्जैन के बड़नगर थाने में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाथों में तख्तियां लेकर और जमकर नाराजगी जाहिर की। इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने साथ ही थाना प्रभारी बड़नगर को ज्ञापन सौंपा और मांग की उज्जैन के गीता कॉलोनी में देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए और रासुका के तहत कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और फिर इनके मकान आवास परिसर को ध्वस्त किया जाए ताकि देश विरोधी लोगों को सबक मिल सके और फिर कोई आगे से इस प्रकार की घटिया और घिनौनी हरकत करने की कोशिश ना करें। और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने जमकर नाराजगी जाहिर की और विरोध दर्ज कराकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। किन किन विषयों को लेकर दिया गया, किस प्रकार से पुतला दहन किया गया और क्या रहा? पूरे देश में आज एक ही चर्चा है कि उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मुहर्रम के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने का घृणित कार्य किया। पूरा मध्य प्रदेश का जनमानस इस घटना पर थू-थू कर रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते प्रशासन को सख्त चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और लगभग 17 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी है और शेष जो व्यक्ति उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए प्रशासन लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। हम तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से यही मांग करते हैं कि जो घृणित कार्य, जो पाप इन लोगों ने किया है मुहर्रम के पवित्र माह में, जो भारत देश के साथ देशद्रोह करने ऐसा काम किया है, इनको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए, इनको कुचल देना चाहिए और यही उनका प्रायश्चित भी होगा, यही उनके लिए दंड भी होगा। हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जन भी आहत है कि इतना घृणित कार्य मुहर्रम जैसे पवित्र माह में हुआ है। हमारे भारत देश में प्रत्येक धर्म को अपने अपने धर्म को मनाने की आज़ादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम देशद्रोह के घृणित कार्य करें। ऐसे लोगों की सख्त पहचान कर उनका भी सामाजिक बहिष्कार मुस्लिम समाज को करना चाहिए। आज यही मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से कर रही है। किस प्रकार से आज पुतला दहन किया गया था, किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया और क्या रहा? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला साहब और हमारे युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी के नेतृत्व में के आह्वान पर आज उज्जैन जिले के सभी मंडलों में जो मुहर्रम के दिन उज्जैन में गीता कॉलोनी में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर भारत मुर्दाबाद के जो नारे लगाए, इसके विरोध में उन पर कड़ी कार्रवाई हेतु आज युवा मोर्चा द्वारा सभी मंडलों में पुतला दहन और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन आदरणीय थाना प्रभारी के माध्यम से दिया गया है। उसमें हमने मांग की है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, उसके साथ ही इन लोगों पर रासुका की कार्रवाई हो, इनसे भारत की नागरिकता रद्द की जाए और इनको प्रशासन से जो सरकारी सुविधा मिलती है उससे उनको वंचित किया जाए। और ऐसे लोग अगर भारत छोड़कर सीकर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनके छोड़ने की समुचित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। इसकी मांग के लिए आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हमारे ज्ञापन का एक उद्देश्य यह भी है ताकि यह इससे जो ऐसे लोग आगे इस कार्रवाई के लिए प्रेरित न हो, जितना कठोर दंड उनको मिलेगा यह कार्रवाई ऐसे लोग यही समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।